हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एड्यूमेंशन। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और मैं यहाँ आपके लिए मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और आरएमएस स्कूल के लिए। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोगों के पास से आ रहे हैं। आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोगों को डाउट्स आए मतलब कि वो क्वेश्चन में कुछ तो है जो आपको सीखना है ना। प्लस अब उन क्वेश्चंस में से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके अंदर कुछ वैल्यू एड करेगा, आपको कुछ सिखाएगा, आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट करेगा, आपका आईक्यू डेवलप करेगा, तो मैं वैसे क्वेश्चन को उठा करके यहां पर लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, एक आध दो आपको इजी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस AISSE नवोदय बार बार पूछता है, RMS में बार बार पूछता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना और उसके सारे वीडियोज जरूर देखना। ठीक है, चलो अब अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपको अपने डाउट पोस्ट करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पर हमें अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा, हर दिन आपको मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले, साइक्लिस्ट राइड्स 24 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आर। क्वेश्चन पढ़ते गए और अंडरलाइन करते गए, कुछ लिखना है तो लिखते गए। जैसे भैया मेरे को लिखना है, तुरंत ये पढ़ते के साथ समझ में आया कि ये स्पीड है। क्या है? स्पीड। इस स्पीड से कितना किलोमीटर चला? 12, है ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और अब एंड फर्दर मतलब उसके आगे, इतना किलोमीटर तो चला ही, उसके आगे उसने 36 किलोमीटर और चला। किस स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आर। तो तुरंत समझ में आया कि ये क्या दिया हुआ है? स्पीड, है ना, और ये क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अपन को पता चल गया, अच्छा इस स्पीड से इतना डिस्टेंस चला, फिर उसके आगे इस स्पीड से इतना डिस्टेंस और चला। डन। अब फाइंड एवरेज स्पीड। क्या बोला? फाइंड द एवरेज स्पीड। अपन को मालूम है भैया एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल, ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो कोर्स दिया है, अपन ने नया कोर्स भी चालू किया आपका, है ना, फौजी बैच, जिसमें आपको पूरी A to Z छोटी छोटी डिटेल्स में सारी वीडियोस दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली जो हम आपके लिए ऐसे ही कैमरे के सामने हमने स्पेसिफिकली जो रिकॉर्ड करी है, कोई क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग्स है, वो पूरी आपको कोर्स में आपको A to Z थ्योरी जितनी भी है सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय के लिए, RMS के लिए, सब आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो, अब टोटल डिस्टेंस तो सर आ जाएगा 24 + 26, पहले 24 किलोमीटर चला फिर 26। देखो, ये लिखने से ये फायदा हुआ कि आपको तुरंत दिख रहा है सामने, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली दिख रहा है, पहले 24 किलोमीटर फिर 36, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया कितना? 24 + 36। अब आप बोलोगे सर टोटल टाइम चाहिए। सर टोटल टाइम कैसे निकालें? ध्यान से सुनो, चैप्टर पढ़ा आपने, आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये दिया है, ये निकालना है, यहां तक आप पहुंच गए, अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को तोड़ के, डिवाइड एंड रूल करके, है ना, जैसे अंग्रेज किए थे, क्वेश्चन को तोड़ो और जीत जाओ, वैसे ही आपने भी क्वेश्चन को तोड़ा, अच्छा ये दिया है, ये निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले तोड़ दिया ना क्वेश्चन को, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकल गया? 24 + 36। अब टोटल टाइम, तो ये सोचो, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। सर स्पीड टाइम और डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला, एक ही रिलेशन तो था जो आपने बताया था, हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो कहीं ना कहीं वही यूज आएगा, तो उसी को निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो आप देखो, इस टाइम को उधर ले जाता हूं, इस स्पीड को इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मतलब अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। मेरे को टोटल टाइम चाहिए, मतलब यहां का टाइम और यहां का टाइम, यहां पर भी डिस्टेंस और स्पीड दिया है, डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो टाइम आ जाएगा, वहां पर भी डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो टाइम आ जाएगा। अगर यहां पर देखोगे तो 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आर स्पीड, तो 24 बाई 12 करोगे तो कितना मिलेगा? 2 घंटे। तो पहले जर्नी में कितना लगा? 2 घंटा। उसके बाद की जर्नी में कितना लगा? 36 बाई 18 मतलब 2 आवर्स, है ना। तो पहले 2 घंटा लगा, बाद में भी 2 घंटा, आप कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे, 12 की स्पीड से चल रहे हैं तो 24 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? 2 घंटा। 18 की स्पीड से चल रहे हैं तो 26 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा + 2 घंटा कितना हो गया? 4 घंटा। यस, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 = 4। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर क्या दे देंगे? 24 + 36 = 60/4, आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। आसान है,
आसान है तो क्वेश्चन को तोड़ो, अच्छा ये दिया है ये निकालना है, सीआईडी वाला दिमाग लगाओ, है ना। देखो ये क्वेश्चंस लाने का यहां पर मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोगों को ये भी सीखने को मिले कि अप्रोच कैसे करते हैं। एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो ऐसे नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं किए, तो उसमें आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा तोड़ो क्वेश्चन को, ये दिया है ये निकालना है, कोई रिश्ता अच्छा यहां तक आ गए अब इसके आगे क्या। तो क्वेश्चन को तोड़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी, जो ऐसे ओवरऑल देखने में ऐसे एकदम बड़ा दिख रहा है ना एकदम पहाड़ जैसा, उसको तोड़ोगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल या नवोदय क्लास 6 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये इश्यूज जरूर आए होंगे। आप ऑफलाइन क्लास चाहते होंगे लेकिन ऑफलाइन आप जहां रहते हैं वहां पर आपको टॉप टीचर्स नहीं मिलते होंगे जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सैनिक स्कूल का, नवोदय स्कूल का, आरएमएस स्कूल का, और वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए, तो आप ऑनलाइन आते होंगे। अब ऑनलाइन आते होंगे तो पेनड्राइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन उसमें इश्यूज क्या है, उसमें इश्यूज यही है कि भैया लोग आपको क्लासेस दे करके भूल जाते हैं, है ना। आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, आपको कोई टाइम टेबल नहीं होता, तो आप अपने मन से सोचते हैं आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, नर्सों देख लूंगा, परसों देख लूंगा, है ना। और इसी चीज को करते 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 पूरा टाइम चला जाता है और आप पूरे वीडियोज नहीं देख पाते प्रॉपर टाइम में, और दूसरी बात आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, इतना महंगा कोर्स और सब कुछ वेस्ट, है ना। प्रॉपर आपको चेक करने वाला कोई नहीं है, प्रॉपर आपका एनालिसिस करने वाला नहीं है, प्रॉपर पर चैप्टर वाइज आपका कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है। इस पूरी सॉल्यूशन, इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं आपके सामने फौजी बैच। अब फौजी बैच में क्या होगा, हम आपको मॉनिटरिंग करेंगे, मैं और सिस्टर आपके ऊपर बैठे रहेंगे, हर संडे हम लाइव आके पूछेंगे कि इस संडे हमने आपको जो जो पढ़ने के लिए दिया था क्या वो आपका हो गया, कोई डाउट आए तो पूछो, अगर डाउट नहीं आए तो फिर हम पूछेंगे कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो हर संडे हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे, तो उस डर पे या उस चीज के लिए कि संडे को भैया डाउट्स क्लियर होंगे, तो उस चीज में आप पढ़ाई करोगे। हम आपको प्रॉपर टाइम टेबल देंगे कि भैया मंडे को ये पढ़ना है इतने से इतने, संडे को ये पढ़ना है इतने से इतने, ट्यूसडे को ये पढ़ना है इतने से इतने, तो प्रॉपर टाइम टेबल होगा। ये नहीं कि भैया जब मन किया पढ़ लेंगे, प्रॉपर टाइम इतने से इतने पढ़ना है, ये एक घंटा ये लेक्चर, ये एक घंटा ये लेक्चर, ये होमवर्क करना है हर क्लास में, हर क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। अगली क्लास में वो होमवर्क का एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, हर चैप्टर में मोर देन 60-70 क्वेश्चंस होंगे, आपके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, जो अभी तक आई डोंट थिंक कि कोई आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी नहीं। ऐसा कोर्स देंगे, ऐसा कोर्स है ये फौजी बैच जिसमें आपको ऑफलाइन की याद भी नहीं आएगी, आपको ऑफलाइन से ज़्यादा मजा आने वाला है, ज़्यादा अच्छे से आप सीखने वाले हो, फन के साथ एंड एक्सरसाइज के साथ, मटेरियल के साथ, टेस्ट के साथ, लाइव डिस्कशन के साथ, और हर संडे लाइव क्लासेस होंगी मेरी और श्रेष्ठ की। अब इतना सब कुछ अगर आप मार्केट प्राइस देखो तो 30,000-20,000 से कम में इतना सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन 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 मैं और श्रेयस सर आपके लिए ये सब कुछ पॉसिबल किए हैं मात्र 4,000 में। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए कि भैया जिसमें हम आपका लाइव आकर के नहीं बताएंगे लेकिन हाँ स्टडी मटेरियल, टेस्ट और सब कुछ रहेगा, रिकॉर्डेड सब कुछ ए टू जेड चीज है, बस लाइव मॉनिटरिंग और जो हम बोल रहे हैं ना हर संडे आके हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, बस वो लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कोर्स जो है वन ईयर का, फौजी बैच का वन ईयर का कोर्स सिर्फ 2,000 का है, ओनली 2,000, है ना। और अगर आप दो साल का चाहिए पूरा रिकॉर्डेड तो 3,000। बट इतना ही नहीं, टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा फौजी बैच वन ईयर लाइव वाले कोर्स में 1,000 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब ये 4,000 भी हटा दो, ये आपको पड़ेगा ओनली एंड ओनली 3,000 का, बट ओनली फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स, ओनली फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और रजिस्टर करो, कूपन कोड है टॉप 10, सिर्फ 10 टॉप स्टूडेंट्स को ये कोर्स मिलेगा 3,000 के लिए, टॉप 20 स्टूडेंट्स को मिलेगा, टॉप 20 आप जब कोड यूज करोगे तो ये आपको मिलेगा 2,500 रुपीज में, और टॉप 20 आप कोड यूज करोगे टॉप 20 तो ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 1,500 रुपीज में। मतलब सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज, आपके पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सरसाइज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, सब कुछ एक साल के लिए आपको मिलेगा मात्र 1,500 रुपए में, और अगर आप लाइव भी चाहते हो तो वो आपको मिलेगा 3,000 में। और अगर आप 2 ईयर्स का कोर्स चाहते हो, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो फॉर 2,500 रुपीज। ये सारे के सारे कोर्सेज आपके नीचे ऐप में है, ऐप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर सकते हो EduMention। ओके, चलो तो आप इनको ऐप को, इन सारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, अगर अच्छा लगता है तो आप उनमें रजिस्टर कर सकते हैं, हम हर संडे लाइव आकर के आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रैक में रखेंगे ताकि आप सिलेक्शन के लिए जा पाओ।
अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई आपको मालूम है कि जो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।